हीरो होंडा 2010 में अलग हुई ये दोनों कंपनियां आज मार्केट में अपनी अलग अलग पहचान बना चुकी हैं और साथ ही साथ अपने मॉडल्स लॉन्च करके एक दूसरे को काफ़ी टक्कर दे रही हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों कंपनियों की गाड़ियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर हमें एक डेली कम्यूटिंग के लिए कोई बाइक चाहिए तो हम उसमें देखते हैं उसका माइलेज अच्छा हो, कम्फर्ट अच्छा हो, दिखने में अच्छी हो। तो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें याद आती है होंडा की SP125 BS6 और हीरो की Glamour 125 BX6। तो आज हम इन्हीं दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इनमें से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी, कौन सी गाड़ी का परफॉर्मेंस अच्छा है, कौन सी गाड़ी माइलेज ज़्यादा देती है, कौन सी गाड़ी का कंफर्ट ज़्यादा अच्छा है। तो यही सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ सत्यम गुरु और आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल गुरुजी चैनल। अगर हम दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग की बात कर लें तो आपको SP125 BS6 पड़ जाती है 72,900 रुपये की, और अगर हम हीरो ग्लैमर 125 की बात करें तो ये आपको पड़ती है 68,900 रुपये की। तो दोनों गाड़ियों में आपको तकरीबन 4,000 रुपये का अंतर पड़ जाता है। तो इस मामले में ग्लैमर 125 आगे निकल जाती है। और हम दोनों गाड़ियों के इंजन की बात कर लें तो आपको यहाँ पर SP125 में देखने के लिए मिल जाएगा 10.8 PS की पावर और साथ ही साथ में आपको 10.9 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम ग्लैमर की बात करें तो इसमें आपको 10.8 PS की पावर तो देखने के लिए मिल जाती है, बट इसमें आपको 10.6 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है, जो कि 0.3 Nm SP125 से कम है। तो वैसे ज़्यादा कुछ इनकी परफॉर्मेंस में आपको अंतर देखने के लिए तो नहीं मिलेगा, बट कहीं ना कहीं आपको वो जो 0.3 Nm का जो टॉर्क आपको कम है वो कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें SP125 आगे निकल जाती है। अगर हम दोनों गाड़ियों की फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो आपको SP125 में 11 लीटर का और ग्लैमर 125 में 10 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पर भी SP125 की फ्यूल कैपेसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी SP125 आगे निकल जाती है। अगर हम दोनों गाड़ियों की ब्रेकिंग की बात कर लें तो मैं आपको बता दूं कि होंडा की सारी गाड़ियों में आपको CBS ब्रेकिंग सिस्टम देखने के मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। और अगर हम हीरो की बात करें तो आपको हीरो में IBS सिस्टम देखने के लिए मिलता है, जो कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम कहलाता है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों गाड़ियों की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है, आपको दोनों में ही फ्रंट में डिस्क ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है। और अगर हम इनके सस्पेंशन की बात करें तो आपको दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट में टेलीस्कोपिक और रियर में आपको 5-स्टेप हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम दोनों गाड़ियों के चेसी की बात करें, फ्रेम की बात करें, तो आपको दोनों ही गाड़ियों में डायमंड टाइप का फ्रेम देखने के लिए मिलता है, जो कि काफ़ी शानदार है। बट अब हम एक ऐसे पॉइंट की बात करने जा रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोनों गाड़ियों की हेडलाइट के बारे में। तो आपको SP125 में LED टाइप की हेडलाइट देखने के लिए मिल जाती है, और अगर हम बात करें ग्लैमर 125 BS6 की, तो इसमें आपको जो कि इसके प्रीवियस वर्जन BS4 में देखने के लिए मिलता था हेलोजन टाइप बल्ब, उसी टाइप का बल्ब आपको BS6 में देखने के लिए मिलता है। तो ये एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है ग्लैमर 125 में। अगर हम दोनों गाड़ियों के वेट की बात कर लें तो यहाँ पर SP125 180 kg की है, और जबकि ग्लैमर आपकी 125 kg की है। और आपकी गाड़ी को ऑफ रोडिंग चलाते हैं तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो SP125 का ग्राउंड क्लियरेंस 160 mm है, जबकि ग्लैमर का 180 mm है। तो यहाँ पर ग्लैमर जो है वो आगे निकल जाती है। और हम दोनों गाड़ियों की सीट हाइट की बात करें तो आपको SP125 में 790 mm की, और हम ग्लैमर की बात करें तो ग्लैमर में आपको 799 mm की सीट हाइट देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम दोनों ही गाड़ियों के माइलेज की बात करें तो यहाँ पर SP125 में आपको 14% एक्स्ट्रा माइलेज देखने के लिए मिल जाएगा, और जबकि अगर हम ग्लैमर की बात करें तो इसमें आपको कुछ ज़्यादा खास माइलेज इंक्रीज नहीं हुआ है, लगभग 2-3% का माइलेज ही आपको इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर भी SP125 जो है वो आगे निकल जाती है। और अगर हम SP125 की बात करें तो इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट विथ ACG, गियर पोजिशन इंडिकेटर, ईको इंडिकेटर जैसी सुविधाएं मिल जाती हैं, जो कि आपको ग्लैमर में नहीं मिलती है। तो यहाँ पर भी SP125 आगे निकल जाती है। तो अब आप लोग बताइए आपको इनमें से कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आई है, और कमेंट करके हम लोगों को ज़रूर बताएं। और अगर आप किन्हीं और गाड़ियों का कंपैरिजन चाहते हैं तो आप हमें उन गाड़ियों के नाम सजेस्ट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।